व्यवहार तो आप लोग सदन में जब हम लोग जब सदन में हम लोग बैठ रहे हैं समय से हम लोग आ जाते हैं कि जनता के सवाल का जवाब हम लोग दें, थोड़ी पॉजिटिव सकारात्मक पहल हो, काम हो बिहार की तरक्की के लिए। तो ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं लगता ही नहीं कि विधायक है। विधायक का जो आचरण होना चाहिए वो एकदम नहीं लगता कि जो विधायक का रोल होता है कि कम से कम सवाल पूछे, जवाब हो, लेकिन लोगों को कोई इंटरेस्ट उस चीज़ों में नहीं है। केवल जो है उल्टा सीधा कमेंट करना, केवल जो है बकवास की बातें करना, हंगामा करना, और कोई मतलब नहीं है इन लोगों को भाजपा के। आपसे ही इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं तेजस्वी जी? आपसे इस्तीफा बाता मांग रहे हैं कि तेजस्वी ने कहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है। आपसे इस्तीफा क्यों मांग हो रही है तेजस्वी जी? मेरे पे तो चार्जशीट 2017 में हुआ था। अरे चार्जशीट 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 17 से 23 हो गया, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। एक मिनट सुन लीजिए, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। लेकिन मेरे पे जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो, चार्जशीट था कि नहीं था? तो जब हम ओथ लेने जा रहे थे दोबारा, तो मना करने किया ओथ मत लो। अब ओथ ले लिए तो बोल रहा कि ओथ क्यों ले लिया, पहले ही मना ना करना चाहिए था। अरे अगवानी घाट जो है अभी कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, और अगवानी घाट में जब पहली बार जो पुल गिरा तो सवाल जो है हमने ही उठाया था, और जब रिपोर्ट आया तो हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की, तोड़ा उस तो डिजाइन में हम लोगों की शंका थी। एक बार नहीं, कई बार हमने और ACS ने इसकी समीक्षा की और कार्रवाई की गई, और हमारे आने के बाद इंजीनियर को भी बदला गया जो देख रहा था, पुल निगम के जो चेयरमैन है उनको भी हटाया गया। ये तो काम हमने किया, लेकिन जब पहली बार गिरा था जब भाजपा के मंत्री थे तो इन्होंने क्या कार्रवाई की थी? एक इंजीनियर तक नहीं बदले ही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।